बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे, अपने हिफ्ज व अमान में रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बोंग पाए, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और जिन्हें बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए देखते हैं कि बोंग पाए बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने दो पाए लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने गर्म पानी से धोकर अच्छे से साफ करके रख लिया है। ये देखिए, गर्म पानी से धोने से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और आसानी के साथ साफ़ होते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये नलियाँ भी हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने साथ इसके बोंग भी डालनी है। ये देखें, ये देखें, ये सब बोंग का हिस्सा है इसका। और ये हड्डियाँ भी हैं साथ, इसका बहुत अच्छा सा अरक निकलेगा। ये देखिए, तो स्पाइसेस देख लेते हैं। जी ये देखिए, धनिया, ज़ीरा, सौंफ, यहाँ पर मैंने ये और खड़ा गरम मसाला लिया है। धनिया 2 टेबल स्पून है, ये 1.5 टीस्पून है, और ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून है, और नमक और हल्दी 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है। खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी के चंद टुकड़े और काली मिर्च है, और चंद तेज पत्ते लिए हैं मैंने। जी तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ ताकि ये बहुत लंबा टाइम ना खींचे, क्योंकि ये पतीले में पकाने से बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। तो ये देखिए, कुकर में मैं पाए डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पाए सब इसमें जा चुके हैं, दोनों पाए मैंने इसमें डाल लिए हैं। जी तो सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, सारे मसाले इसमें चले गए हैं। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए 1.5 जग मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसको तकरीबन 50 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, जिसमें ये बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो जाएंगे। बोंग मैं अलग गलाऊंगी, क्योंकि कुकर में आप देख रहे होंगे कि इतनी स्पेस नहीं है कि अगर मैं इसमें बोंग भी डालती हूँ तो ये खुल के नहीं पक सकेंगे। तो पहले हम पाए उबाल के गला के निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम बोंग पकाएंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आइए कुकर खोलते हैं, चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह, ये देखिए क्या खूबसूरत है, ये रोगन इसका निकला है। और ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से ये गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, और इसका सूप, इसकी यखनी बहुत ही आला निकल आई है। तो अब ये तमाम बोटियाँ मैं अलग निकाल लेती हूँ और इसी यखनी में मैं सारी बोंग डाल दूँगी और थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, ताकि जो पहले हमने मसाला डाला था उसका सारा अरक निकल चुका है, तो थोड़े से मसाले के साथ वो अच्छे से गल भी जाएगा और उसकी यखनी भी अच्छी सी निकल आएगी। जी तो ये देखिए, आप पहले ये देखिए, मैंने ये सारी बोटियाँ पाई की जो गल चुकी थी वो मैंने निकाल ली हैं। ये देखिए क्या आला इसकी बोटियाँ हैं, ये देखिए बिल्कुल गोश्त गल के सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, और इधर यखनी में मैं देखिए ये डाल रही हूँ, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी यखनी निकल आएगी। ये देखिए, थोड़ा सा खड़ा मसाला हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि पिछले मसाले की तो सारी यखनी निकल चुकी है। ये देखें, इसको भी अब हम प्रेशर लगाएंगे। पाए का गोश्त ज़रा सख्त होता है, तो इसलिए 50 मिनट में वो गलाया हमने, ये तकरीबन हम 30 मिनट्स में गला लेंगे। जी ये देखिए, बोंग सारी मैंने इसमें डाल दी है, ये देखिए। और अब मैं इसमें वही मसाला जो मैंने पाई में डाला था, ये इसमें चला गया, और अब मैं 30 मिनट्स का इसमें प्रेशर लगा रही हूँ। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी
जब तक बोन गल रही है, प्रेशर लगा हुआ है, तो दूसरे चूल्हे पर हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक ये प्याज चॉप कर लिए और तकरीबन 5 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें इस तरह बारीक काट लिया है। चूल्हा मैंने जला लिया है, पतीली मैंने रख ली है और ये देखिए ऑयल इसमें जा रहा है। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए, क्योंकि ये जमता नहीं है। प्याज देखें इसमें जा रही है, सारी प्याज इसमें चली गई है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई हम इसे करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी ये देखिए, प्याज गोल्डन फ्राई तकरीबन होने वाली है और अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत खूबसूरत कलर प्याज का आ चुका है, ये देखिए चेक कीजिए आप, कितना खूबसूरत कलर है। हमें यही कलर चाहिए था और अब हम इसको घी में से निकाल लेंगे। जी ये देखिए, ऑयल से मैंने प्याज निकाल ली है, बड़ा खूबसूरत कलर इसका आ चुका है। ये देखिए नीचे ऑयल अलग हो चुका है और प्याज ये इस तरह अलग कर लिए मैंने और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जी ये देखिए, प्याज को मैंने बारीक पीस लिया है। थोड़ी सी यखनी मैंने गरम गरम इसमें डाल ली थी, थोड़ा सा पानी और इसका बेहतरीन सा बारीक बिल्कुल पेस्ट, स्मूथ। ये देख लें, जैसे प्याज पिसेगी वैसे ही शोरबा होगा। तो ये बिल्कुल बारीक हमारा पेस्ट तैयार है। जी ये देखिए, दूसरे चूल्हे पर जो हमारी यखनी बोंग की निकल रही थी, वो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये भी बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और पाए मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि पाए भी रेडी हैं और बोंग भी बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है। जी ये पाए हैं, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं गलकर। दोनों चीज़ें अच्छे से गल के रेडी हो चुकी हैं। प्याज भी हमारी फ्राई भी हो चुकी है और हमने उसे पीस भी लिया है और अब हम चलेंगे इसको बघारने की तरफ। जी ये देखिए, पाए बघारना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है, पतीला मैंने रख लिया है और तकरीबन वही ये आप देख रहे होंगे ऑयल जो जिसमें मैंने प्याज लाल की थी, ये वही ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है, यानी तीनों चीज़ें 1 टीस्पून, और धनिया मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर लिया है और खड़ा गरम मसाला इसमें इस्तेमाल हुआ। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही इसमें ये लहसुन अदरक जा रहा है पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये देखिए अच्छे से भून लेते हैं इसको। जी 1 कप इसमें मैं दही डाल रही हूँ, ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जी ये देखिए, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था तली हुई प्याज का और दही का, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जी ये देखिए कि प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए यखनी के साथ, पानी के साथ जो मैंने डाल के ब्लेंड कर ली थी, ये प्याज इसमें जा रही है। ये देखिए, जी ये देखिए प्याज सारी इसमें चली गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। और थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं, उसके बाद इसमें जितनी भी यखनी है और पाए और बोंग सब के सब इसमें चला जाएगा और गला हुआ तो सब कुछ है ही रेडी हो जाएगा। मसाला अच्छे से भून गया है, ये देखिए चिकन इसका ऊपर आ चुका है और अब हम इसमें जो पाए हमारे उबले हुए रखे थे वो इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये सारे पाए में इसमें, ये देखिए पाए इसमें चले गए हैं और साथ ही मैं इसमें बोंग डाल रही हूँ। ये देखिए ये बोंग भी चली गई है इसके अंदर, ये देखिए
ये यखनी जा रही है इसके अंदर। ये देखिए मिक्स कर लेते हैं इसे। तकरीबन सारी ही चीज़ें इसमें चली गई हैं, बूंद भी, पाए भी और यखनी भी। तकरीबन 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और उसके बाद ये पाए हमारे बिल्कुल रेडी होंगे। जी पाए जो हैं वो 10 मिनट पक गए हैं। ये देखिए अब इसमें मैं आटा डाल रही हूँ घोलकर। ये मैंने चक्की का आटा नॉर्मल जो हम रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आटा 1 कप लिया था और उसको 2 गिलास पानी में घोल लिया था। ये देखें इसकी थिकनेस देखें। बड़े के पाए जब तक ज़रा सा गाढ़े ना हो मज़ा नहीं आता खाने का। ये देखें कितनी आला लुक इसकी निकल रही है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं और थोड़ी सी अदरक। ये देखिए बहुत ही आला इसकी खुशबू आ रही है। इसकी अफादियत से आप भी वाकिफ होंगे। इसकी यखनी बहुत ही जानदार और शानदार होती है और बड़े के पाए जो लोग खाते रहते हैं वो घुटनों की तकलीफ़ उन्हें नहीं आती है। घुटनों के दर्दों को ये दूर करने में बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए कितनी आला इसकी बोटियां हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाए बिल्कुल तैयार हैं, जल्दी से जाके आप भी इसे ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।